बीते दो दिनों से ये देखा जा रहा था, जो भी जनता है, जो भी दूसरे जिलों में काम करने गई थी, वो अपने घर को नहीं लौट पाई थी। ऐसे में बीच में ही लॉकडाउन की लगा दिया गया था, प्रधानमंत्री की तरफ से ये जारी किए गए थे आदेश, और उसके बाद से लोग दूसरे जिलों में फंस गए थे। वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां वो काम कर रहे थे उनकी नौकरी छूट गई थी या उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में लोग पैदल लंबी लंबी दूरियां तय करके अपने घर गांव लौट रहे हैं। इसको देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, उसने सभी 75 जनपदों को आवंटित कर दिए हैं पैसे। उन्होंने कहा है कि सभी जनपदों में अब आश्रय स्थल बनेगा और स्क्रीनिंग स्थल बनेगा। लगभग 15 बड़े जनपदों को 30-30 लाख रुपए दिए गए हैं और बाकी जो 60 जनपद हैं उनको 15-15 लाख आवंटित कर दिए गए हैं। और इसका फैसला अब से कुछ देर पहले आला अधिकारियों के साथ बैठ करके उन्होंने लिया। उसमें राजस्व विभाग के आयुक्त भी थे, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव रणुका कुमार भी थी, सचिव भी थे, काफी अधिकारियों के साथ जब उन्होंने इस बारे में निष्कर्ष निकाला उनका ये फैसला हुआ। और इसी के तहत मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, आजमगढ़, इन सभी जनपदों को 30-30 लाख रुपए दिए गए हैं। और जो 15 लाख रुपए है वो हाथरस, मुजफ्फरनगर, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, शामली, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, बागपत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सहारनपुर, ललितपुर, इन सभी को 15-15 लाख दिए गए। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट समेत तमाम जो जनपद हैं 60 जनपद उनको सबको 15 लाख रुपए दिए गए हैं। और झांसी, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर नगर, मुरादाबाद जैसे जनपदों को 30-30 लाख रुपए दिए गए हैं। एक बड़ी राहत भरी खबर है, जो भी हमारे जो भी प्रदेशवासी जो बाहर जनपदों में फंसे हुए हैं, सभी जनपद की बाउंड्री जो भी है, जो सीमा है उत्तर प्रदेश की, वहां पर आश्रय कैंप बनेंगे। जो भी पलायन करके लोग पैदल लंबी दूरी तय कर रहे हैं, उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ बुजुर्ग हैं, वो उन आश्रय स्थल पर अपने को विराम दें। वहाँ पूरी तरह से खाने पीने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। योगी सरकार ने सख्त निर्देश देते हुए अब से कुछ देर पहले ये आदेश जारी कर दिया है और सभी जिला अधिकारियों को ये हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द इन आश्रय स्थलों को बनाया जाए, जिससे जो भी पैदल दूरी तय करके लोग अपने घर को जा रहे हैं वो वहीं पर रुकें। कोविड-19 को भी रोकने के लिए एक बड़ी पहल है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी तरह दूसरे बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश के अंदर ना आ सके, इसके लिए इस आश्रय स्थल का फैसला लिया गया है। Thank you.